फ्रेंड्स, आप लोग जानते होइएगा कि सरकार एक मुहिम चलाती है जो कि उद्यमी योजना के नाम से। उसमें फ्रेंड्स 10 लाख रुपए तक का लोन आपको प्रोवाइड किया जाता है और उसमें से 50% आपको माफ कर दिया जाता है। और उसमें बता दें कि अगर महिला है तो आपको कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं होता है, अगर पुरुष है तो आप उनको 1% का ब्याज दर देना पड़ता है। स्टेप बाय स्टेप हम ऑनलाइन करके आपको बताएंगे, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे चलाना है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उद्यमी का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। हम बात करते हैं फ्रेंड्स, इससे पहले भी एक नोटिफिकेशन हमने बताया था उसमें कि 15 तारीख से आवेदन शुरू हो जाएगा और 15-30 तक बंद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज चालू हो गया है फाइनली, तो आपको हम स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस समझने वाले हैं। जैसे ही इस वेबसाइट पे चले आइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप डायरेक्ट आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं पंजीकरण। पहले पंजीकरण पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही पंजीकरण पर क्लिक कीजिएगा तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड यहाँ खुलेगा। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे पहले रजिस्टर करने के लिए बोला जा रहा है। तो फ्रेंड्स बता दें कि यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पे देखिए अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रहा है, ठीक है, कोई भी दिक्कत आ रहा है तो यहाँ से आवेदन फॉर्म सिंपल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको कवर किया गया है कि क्या पहले भरना है, क्या नहीं भरना है, उसके बाद क्या अगला स्टेप में क्या आएगा, उसके बाद अगला स्टेप में क्या आएगा, सारा प्रोसेस आपको समझाया गया है। तो फ्रेंड्स हम अभी आपको पूरा फुल प्रोसेस करके दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे आप अपना नाम को दर्ज करेंगे, ठीक है। नाम दर्ज करने के बाद यहाँ पे अगर माध्यम नेम है तो आप डालिएगा, नहीं तो अंतिम नेम को डाल दीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, आपका एक ईमेल आईडी होना चाहिए जो कि एक्टिव होना चाहिए, आपके पास ओटीपी वगैरह आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे क्या करा है, क्या यह आपका नया व्यवसाय है। अगर आपका नया व्यवसाय है तो यस कर सकते हैं, या फिर आप पुराना ही व्यवसाय है और उसी पर आप लोन लेना चाहते हैं तो आप नो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि ज्यादातर यस कीजिएगा, क्योंकि नया व्यवसाय रहेगा तो ठीक रहेगा। अब हम यस कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका जेंडर पूछा जाएगा, लिंग, तो यहाँ पे आप जो भी है सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। फ्रेंड्स बता दे कि जो महिला लोग हैं उनके लिए कोई यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा ब्याज दर नहीं लगता है, उनको एकदम जो 5 लाख, अगर मान लीजिए कि 10 लाख रुपया मिलता है तो 5 लाख माफ होगा, तो 5 लाख के 5 लाख ही आपको देना पड़ेगा, ना कि उसमें ब्याज लगेगा। अगर पुरुष की बात कर ले तो फ्रेंड्स 1% का ब्याज उनको देना पड़ता है। यहाँ पे जो भी है आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, उसके बाद आधार कार्ड डालिएगा, उसके बाद यहाँ पे आपका आवेदन का प्रकार, यहाँ पे आवेदन के प्रकार पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपका जो भी जाति इसके अंतर्गत आते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अगर पुरुष है और उनका फ्रेंड्स युवा उद्यमी, जैसे कि इस कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं, वो जनरल है और ओबीसी है, तो युवा उद्यमी में वो आएंगे, और जनरल से महिला है तो महिला उद्यमी में वो आएंगे। तो इस प्रकार से आपको चयन कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स बता दे ओटीपी जाएगा, तो यहाँ से हम सब कुछ फिल करके ओटीपी डाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे ही आप गेट ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ आपको चेतावनी दिया जा रहा है, सावधानी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखिए आपका अगर कोई भी ओबीसी में आते हैं और जनरल में आते हैं, अगर आप यहाँ पे गलत से भी आपने अगर चूज कर लिया एसटी एससी या फिर कोई भी अदर, तो आप पर फ्रेंड्स कार्रवाई भी हो सकता है और आपका एप्लीकेशन जो कि रद्द माना जाएगा। और यहाँ पे अगर आप दोबारा से फिर से अगर आप आवेदन देते हैं तो भी आपका आवेदन जो कि अस्वीकृत कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपका चेतावनी था, ध्यान से भरिएगा, ठीक है। इसको हम काट देते हैं और यहाँ पे ओके करते हैं। जैसे ही आप ओटीपी पर क्लिक कर लीजिएगा तो आपके फोन पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, तभी आप इसका आवेदन कर पाइएगा, ठीक है। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे सत्यापन कर लीजिए, तो यहाँ पर पॉपअप मैसेज शो होगा कि आपका ओटीपी सत्यापन हो गया है। उसके बाद यहाँ पे अब हम आ जाएंगे, यहाँ पे अब लॉग इन कर लेंगे। फ्रेंड्स एक मोबाइल पे आपका पासवर्ड आया होगा, उसी पासवर्ड से आपको लॉग इन करना है। ऊपर आपका आधार नंबर डाला होगा और नीचे जो है आपका पासवर्ड जो कि आपको शो हो रहा होगा अपने फोन में, यहाँ पे जो मैसेज आया है उस पे, और उसी से आपको डालकर लॉग इन करना है। दोनों डालकर यहाँ पे लॉग इन करेंगे। लॉग इन करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने इस प्रकार से आपका खुलकर आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ स्टेप हैं जो कि हम आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए शिक्षा, ये आपको डिटेल डालना होगा, जो शिक्षा आपने ग्रहण किया है उसका डिटेल डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे व्यावसायिक वितरण डालना होगा, उसके बाद बैंक वितरण डालना होगा, उसके बाद दस्तावेज डालना होगा, ठीक है, बस इतना ही। उसके बाद सेटिंग है, तो इसके बाद जो कि सबमिट होगा। उसके बाद हम फटाफट आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते चलेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइप, जो कि आपका प्रोजेक्ट क्या है। तो फ्रेंड्स इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि कौन सा कौन प्रोजेक्ट में आपका कैटेगरी 3 है, ए बी सी,
कौन सा कैटेगरी में कौन सा आपका जो कि उद्योग लगा सकते हैं और उसमें कितना कितना क्या है और कितना लोगों को उसमें सेलेक्ट किया गया है, सारा कुछ इससे पहले हमने वीडियो बना चुका है। तो अभी फिलहाल हम आपको आवेदन करके बताएंगे, तो उस वीडियो को देखना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से देख सकते हैं। हम कैटेगरी ए में रहेंगे, ठीक है, कैटेगरी ए में रहेंगे। यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारे खुलकर आ जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे खुल के आ गए। अब यहाँ से आपका जो भी आपको उद्योग लगाना है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो कि पुरुष ये सेलेक्ट रहेगा जो कि रजिस्ट्रेशन में आपने दिया था। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ देना है, तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पिता का नाम जो कि आपके घर में जो भी अभिभावक है आपके आधार पर देख लीजिएगा, जो नाम है वो डालिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे विकलांगता स्थिति पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हम नो रखेंगे, आप अगर है तो यस कीजिए। आवेदनकर्ता का पता जो कि आपका आधार कार्ड पर जो पता होगा वो डालिएगा, पूर्ण पता यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे पंचायत सिर्फ डालिएगा, उसके बाद यहाँ पे थाना, और उसके बाद यहाँ पे जिला सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे पिन कोड डाल देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा जा रहा है कैटेगोरी, तो कैटेगोरी किस कैटेगोरी में आप आते हैं। जब फ्रेंड्स युवा उद्यमी आप सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आपको दो ही आप प्रकार का यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि हमने बताया था, ओबीसी और सामान्य। फ्रेंड्स यहाँ पे ये आएगा, तो यहाँ पे देख लीजिएगा आप जो भी कैटेगोरी से बिलोंग करते हैं वो डाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे जात, कौन सा जात है। अगर ओबीसी में आइएगा तो बहुत सारे जात है, तो आप जो भी है सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे सेलेक्ट कीजिएगा, अब पूछा जा रहा है कि उच्चतम शैक्षिक योग्यता। फ्रेंड्स आप सबसे ज्यादा कितना पढ़े हुए हैं, अभी तक कितना पढ़े हुए, तो आप जो भी है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। कम से कम फ्रेंड्स आपको 10th पास होइएगा तो आपको आईटीआई करना ही पड़ेगा। आईटीआई 10th पास है तो आईटीआई चाहिए, अगर इंटर पास है तो ठीक है, ग्रेजुएशन तो उसके ऊपर जो भी है आप सही है। तो अभी हम फिलहाल सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो कि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपका न्यूनतम सबसे कम क्या पढ़े हुए हैं, इसमें जो न्यूनतम है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो इंटर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डाटा को हम सेव करेंगे। देखिए जैसे ही आप सेव पर क्लिक कीजिएगा तो आपका जो प्रोसेस आगे बढ़ गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे शिक्षा जो कि आपको विवरण डालना है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे शिक्षा विवरण जोड़े पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो इसमें साइड में देखिए यहाँ पे खुल कर आ रहा है, ये यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, और उसके बाद जोड़े पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो हम फटाफट आपको जोड़ लेते हैं। आप जैसे कि हम जो कैसे जोड़ना है बता देते हैं फ्रेंड्स। अगर आपका न्यूनतम और जो हाई उसी के बीच में जो भी आपने जैसे 10th पास किया है, उसके बाद 10th इंटर ग्रेजुएशन ऐसे किए हैं तो तीनों को जोड़ दीजिएगा, या फिर आप मैट्रिक पर से आईटीआई किए हैं तो मैट्रिक और आईटीआई कीजिएगा, अगर आप मैट्रिक इंटर किए हैं तो मैट्रिक इंटर जोड़िएगा। इसी प्रकार से आप जोड़ना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको करना क्या है कि अगर विषय पूछा जाता है तो आप विषय में ऑल सब्जेक्ट 10th में डालिएगा, अगर वही इंटर में पूछा जाएगा तो इंटर में आपको साइंस से किए हैं तो साइंस डालिएगा, अगर आर्ट्स है तो आर्ट्स डालिएगा, या कॉमर्स है तो कॉमर्स डालिएगा। इस प्रकार से आपको डालना है। और यहाँ पे पासिंग ईयर पूछा जा रहा है तो आप डाल दीजिएगा किस वर्ष में आपने पास किया था। यहाँ से अगर कोई भी गलती हो जाता है तो यहाँ पे हटाए पर क्लिक करके आप हटा सकते हैं और फिर से नया जोड़ सकते हैं। तो हम एक और जोड़ लेते हैं, जो कि अभी 10th का जोड़ लिया, अब 12th का जोड़ लेते हैं। तो 12th को जोड़ने के लिए तो यहाँ पे 12th लिख देंगे, हो जाएगा। उसके बाद बोर्ड पूछा जा रहा है तो बोर्ड लिख दीजिएगा जिस बोर्ड से पास आउट है। और उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर पूछा जा रहा है तो रोल नंबर आप डाल दीजिएगा। उसके बाद किस साल पास किए हैं तो इसको भी डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे विषय पूछा जा रहा है तो विषय में आप यहाँ पे जो भी आप किए हैं वो डाल दीजिएगा, साइंस आर्ट्स कॉमर्स ऐसे करके ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर ग्रेजुएशन है तो फिर ग्रेजुएशन भी इसी प्रकार से ऐड कर लीजिएगा। अगर ये अगर आपका कंप्लीट हो गया है तो यहाँ पे हम व्यवसाय विवरण पर जा सकते हैं। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आगे बढ़िएगा तो फ्रेंड्स अब व्यवसाय विवरण पर हम चले आए हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं व्यवसाय का नाम बताया। पूछा जा रहा है कि आपका कौन सा व्यवसाय है, उसका नाम क्या है। तो आपने कोई दुकान खोलने के लिए अगर सोचा होगा या फिर कोई भी काम करने के लिए सोचा होगा तो उसके लिए एक नाम आपने सोचा होगा, तो वो वही नाम यहाँ पे डाल देना है, जो कि आपको आने वाले जो भी है दुकान अगर खोलना है तो इसी नाम से आपको खोलना होगा। देखिए अब जो व्यवसाय स्थल का पता देना है, कहाँ आप अब इसका जो दुकान होगा चाहे जो भी कंपनी है चाहे जो भी कीजिएगा आप, वो कहाँ कीजिएगा आप, तो उसका विवरण देना। उसके बाद यहाँ पे उसका थाना देना है, किस थाने में पड़ता है वो और वो कौन सा जिला में पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे आपका ब्लॉक सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे आपका पिन कोड मांगा जाएगा, पिन कोड डाल दीजिएगा और यहाँ पे बिहार रहेगा ऑटोमेटिक। उसके बाद हम सेव पर क्लिक करें। सेव पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद आपका बैंक विवरण में आप चले आइएगा। तो बैंक विवरण में आपको देना क्या है फ्रेंड्स, अपना जो भी अकाउंट है जो कि एक्टिव होना चाहिए, चालू होगा वही दीजिएगा। देखिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे
जो कि यहाँ पे अकाउंट, जो यहाँ पे अकाउंट नंबर यहाँ पे दिया गया है डिटेल, वो फिल करना होगा। तो यहाँ पे बैंक नेम पहले देना होगा, उसके बाद यहाँ पे शाखा का नाम देना होगा, उसके बाद यहाँ पे खाता का प्रकार देना होगा। तो सेविंग अकाउंट ही, पहले फिर करेंट अकाउंट लगता था लेकिन अब सेविंग अकाउंट से ही काम हो रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे खाता खोलने की तिथि, जो भी आप पासबुक पर देखिएगा तो वहां पे लिखा रहता है फ्रेंड कि ये खाता कब खोला गया है। पासबुक पर ढंग से देखिएगा, वहां पे खुला डेट लिखा रहता है। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स बता दे, यहाँ पे आईएफएससी कोड डाल देना है आपको, यहाँ पे खाता संख्या डाल देना है, और यहाँ पे जो पूछा जा रहा है केवल ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ पे दर्ज कीजिए। फ्रेंड्स आपके पास एक चेक होगा, जो कि उसमें फ्रेंड्स आपका जो ट्रांजेक्शन आईडी होता है, तो आप एक चेक होगा आपके पास। हमने इसे पहले वीडियो में हमने बता दिया था कि आप लोगों के पास अगर चेक नहीं है तो चेक ऑर्डर कर लीजिए। वो लगभग फ्रेंड्स वीडियो हम लगभग 15 दिन पहले बनाए थे कि 15 दिन समय है, अभी भी कर लीजिएगा तो चेक आ जाएगा आपका घर पे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बोला जा रहा है कि सिर्फ केवल ट्रांजेक्शन आईडी डाले, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नमूना कैसे डालना है। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन आईडी है यहाँ पे शो हो रहा है ट्रांजेक्शन आईडी 29, तो इसी को आप डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसी को सिर्फ डालना है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, इसको डालने के बाद यहाँ पे हम सेव करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे ही सेव कीजिएगा तो यहाँ पे आगे बढ़ जाइएगा। उसके बाद फ्रेंड्स देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है अनिवार्य दस्तावेज, जो कि ये डॉक्यूमेंट आपको अनिवार्य ही होगा कि आपको अपलोड करना होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र, अगर महिला है तो उनके लिए विकल्प है, अगर छोड़ सकते हैं, उनको अपलोड नहीं करना है, या है तो कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं मैट्रिक का दस्तावेज, जो 10th का जो दस्तावेज है आपने ऐड किया होगा वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे इंटर का दस्तावेज अपलोड करना है। अगर आपके पास इससे भी ऊपर आपका जो कि योग्यता है, अगर ग्रेजुएशन की है, तो आप उसको भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ जहाँ जहाँ पे आपको स्टार मार्क लिखा होगा, यहाँ पे देखिए ये स्टार मार्क है, तो उसको अपलोड करना ही मैंडेटरी होगा, अगर नहीं कीजिएगा तो वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। उसके बाद फ्रेंड्स आवासीय, ये भी आपको करना होगा। उसके बाद फोटो यहाँ पे एक अपलोड करना होगा, और हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। और अपलोड करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक करना होगा, और उसके बाद एक डाटा जो कि सबमिट करते समय पहले आप जांच कर ले, यहाँ पे बताया जा रहा है, सब कुछ जांच कर लिए, सब कुछ सही है तो आप यहाँ पे फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। फ्रेंड्स हम बता दें कि यहाँ पे कोई प्रीव्यू आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सेम यही प्रीव्यू आपको यहीं से प्रीव्यू है फ्रेंड्स। ठीक है, आप जैसे ही आप सबमिट कीजिएगा तो एक, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पंजीयन संख्या, यही एक पेपर में आपको प्रिंट होगा, बस इतना ही पढ़ करके प्रिंट होगा, और उसके बाद वही कस्टमर को दे देना है, या फिर आप खुद कर रहे हैं तो आप खुद रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कितने केबी का चाहिए, तो ये भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगर जो केबी का रिक्वायरमेंट है तो 200 केबी से अंदर रखिएगा, फोटो या जेपीजी या फिर आप पीडीएफ दे सकते हैं। ठीक है, 200 केबी के अंदर रखिएगा, 200 केबी के ऊपर भी है तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब 400-200 के बीच में रखिएगा तो बेहतर क्वालिटी के अंदर में आप अपलोड कर पाइएगा, और आपको ज्यादा परेशानी भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से आपको आवेदन करना है। आप बखूबी समझ गए होंगे कि कैसे आवेदन करना है। अगर आप अभी भी कोई दिक्कत आ रहा है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट का रिप्लाई देंगे और आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।